इस बीच निफ्टी काफ़ी करीब है 9500 के। सिद्धार्थ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, अब आज हमने इम्पैक्ट सारे स्पेस में देख लिया जीएसटी का, लेकिन जहां पर सबसे पहले देखना शुरू हुआ था द लॉजिस्टिक स्पेस, उस पर आपका व्यू क्या है? देखिए, उस पर हम मानते हैं कि कंपनीज लाइक एजिस लॉजिस्टिक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि अगरगति की या जो भी ऑल टाइम फेवरेट्स हैं ये स्पेस में, ये सारे स्पेस में एक डिस्काउंटिंग ज़रूर हो चुका है और बहुत पहले हो चुका है जीएसटी को लेके। वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड है जो नोन नेम्स है लॉजिस्टिक स्पेस में, तो अभी इसको एक थोड़ा सा करेक्शन होने देना चाहिए, थोड़े वैल्यूएशन सूटेबल होने चाहिए, तभी जाके इस पर कोई दाव लगाना चाहिए। बट अगर लॉजिस्टिक स्पेस में कोई कंपनी देखनी है तो हम मानते हैं कि एजिस लॉजिस्टिक एक कंपनी हो सकती है जो एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जी गौतम, एक और जो अनएक्सपेक्टेड आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है वो देखिए रियल एस्टेट स्पेस में। अभी आपका रियल्टी सेक्टर पर व्यू क्या है? आप बुलिश हैं या फिर आपको लगता है कि जो रीसेंट रन अप है वो काफी स्ट्रेस्ड लग रहा है? No, I think we are very bullish on the real estate and infrastructure space from a 6 to 12 month perspective. If you look at it for the short term, you might feel that many of these stocks are up 30 to 50%. But I am taking a very long term view, and that's how we are recommending our clients. You know, many of the underperforming sectors have made a strong comeback in the last 6 months. It started with metals, then oil and gas made a comeback. I think Reliance is a great example. Then capital goods made a comeback. Power did extremely well after being very quiet for almost 5 years. And now after almost 10 years, the real estate stocks are coming back. I think this is a very genuine reversal which is taking place, and that's the indication or the evidence which I get on the charts. And I think the real estate index, can actually double in value even from current levels. So many of these large cap stocks have broken out after making a base for almost 4 to 5 years. So there is a lot more upside, and every small decline in the real estate stocks and the infrastructure stocks, I think, should be used as a buying opportunity. Some of the smaller infrastructure stocks, I think, can actually move up 2-3 times from current levels, and the popular real estate stocks can at least give you 50 to 60% from here. So I think one needs to have a substantial portion of your portfolio into real estate, and I think this rally is quite genuine as it is playing out. एक बार फिर से देख लेते हैं इंडेक्स लेवल्स को और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स को। निफ्टी अब 60 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 9488 के लेवल्स पर देख ट्रेड कर रहा है। आईटीसी ने अभी भी अपनी लीडरशिप मेंटेन की हुई है, 5% ऊपर अभी भी ये स्टॉक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, एचयूएल में भी हम 2.5 से 2.5% तक का मूव देख रहे हैं। एसबीआई, इनफैक्ट एक बार एसबीआई को देखते हैं। एसबीआई अब करीब 2.5% ऊपर आ चुका है। दिन के ऊपरी स्तरों पर एसबीआई अर्निंग्स से ठीक पहले ट्रेड कर रहा है 307-308 के लेवल्स पर। लेकिन जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें आज आईटी स्टॉक्स हैं। कल आईटी ने सपोर्ट लैंड की थी, आज ये स्पेस सॉफ्ट है। टीसीएस, इंफोसिस दोनों ही शेयर्स करीब 1 से 1.5% तक की वीकनेस आज के सेशन में दिखा रहे हैं। ये टीसीएस या फिर इंफोसिस, इन स्टॉक्स पर सिद्धार्थ आपका व्यू क्या है? देखिए, हम मानते हैं कि लार्ज कैप आईटी स्पेस में किसी के नतीजे अच्छे नहीं आ रहे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, और जो एक ऑब्वियस सा रीज़न है कि यूएस में जिस हिसाब से प्रॉब्लम चल रही है H1B वीज़ा लेके, पर लार्ज कैप स्पेस में HCL टेक आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे स्पेस को। पर हम पॉजिटिव है मिड कैप आईटी स्पेस में। हम मानते हैं कि कंपनीज लाइक मेजेस्को, साइंट, परसिस्टेंट, ये तीनों ही कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आईटी स्पेस में कोई दाव लगाना है तो साइंट और परसिस्टेंट पे लगाया जा सकता है मिड कैप आईटी स्पेस में। बिल्कुल। इस बीच चलिए एनएसई पर भी इंडिकेटिव प्राइस आ गया है हुडको का, एंड एटलीस्ट 20% मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है लिस्टिंग गेन, क्योंकि 60 का इश्यू प्राइस था, उसमें रिटेल को तो डिस्काउंट भी था 2 रुपये का, एंड 73 के आसपास ये इंडिकेटिव टिक्स में सेटल हुआ है। जो प्री ओपनिंग टिक्स है उसमें 73.45 पर टू बी प्रिसाइज, यानी प्रति शेयर आपको करीब 13-14 रुपये का फ़ायदा लिस्टिंग पर देखने को मिल सकता है, विच इज़ नॉट बैड, खासकर उस मार्केट में जो कि ऑलरेडी इतने हाई लेवल्स पर है और थोड़ा बहुत कंसर्न्स यहाँ पर करेक्शन को लेकर बनी हुई है। लेकिन गौतम, यू मेंशनड अबाउट अ करेक्शन ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स। अब अगर ये होता भी है, और जैसा आपने खुद ही कहा कि 200-300 पॉइंट का ड्रॉप कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बट 9000 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब ये तो चलिए सपोर्ट की बात हुई, ऑन द हायर साइड डू यू रियली सी निफ्टी गोइंग बियॉन्ड मे बी 9600-9700 और मे बी चेज अप टू 10000 लेवल्स इसी साल? Uh,
Mihir, I think in uncharted territory, levels are meaningless because you don't have any history, so you don't know how high the markets can go to. And that's the reason when the Nifty got to that 9500, 9550 zone, we turned a little cautious. You know, I think it's important to understand how the world is dealing with equity markets. If you look at Indian market VIX or the volatility index, or the global volatility index, they were trading at multi-year lows till a couple of days back. So that tells you how comfortable or how complacent the world has been. And just one decline in the US market, you know, and the VIX was up 40% in a single day. And even our market, you know, VIX was up 10%. The reason I point this out is because this tells you that the market is very complacent. And if something out of the box were to happen on the negative side, you know, it can lead to a pretty severe correction in a very short span of time. So if the Nifty were to cross 95 95 50 on a closing basis, and we are almost there, it would open up 200 250 points on the upside. But as I said earlier, I am very, very worried looking at the US market setup, and I think this Trump factor is not going to die down so easily. And if because of that something were to happen in the US markets, which is my view that the US market will drop about 10%, India will have to face collateral damage. It's not that we have a problem locally, but it's just that if everything falls, you will have to fall in the short term. जी, बिल्कुल. इस बीच चलिए 94, 98 तक गया था निफ्टी और वहाँ से वापस घूमा है. इस समय सेंसेक्स करीब 30,656 के आसपास है. जीएसटी एक बड़ा ट्रिगर आज ओपनिंग में साबित हुआ है और उम्मीद ये भी है कि जीएसटी रोल आउट होने के बाद एक बार स्टेबलाइज हो जाता है तो इनफैक्ट जीडीपी में इंक्रीमेंटल एकाध परसेंट का कंट्रीब्यूशन अकेले जीएसटी के रोल आउट से हो सकता है. हमने बाजार के दिग्गज वल्लभ भंसाली से बात की, सुनते हैं उनका क्या कहना है जीएसटी पर. भारत ने एक अनूठा जीएसटी अपनाया है जिसमें मल्टीपल रेट्स हैं, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो देखना होगा कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने जीएसटी रोल आउट के अंदर पैदा की है, इसकी वजह से क्या हम जो एक लड़खड़ाना और इकोनॉमिस्ट ने अनुभव किया वो हम वैसे लड़खड़ाते हैं या बहुत जल्दी हम संभल जाते हैं. मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता है कि जीएसटी से 12 महीने में ये काम हो जाए, लेकिन जीएसटी के एक क्वार्टर दो क्वार्टर को छोड़ के अगले 12 महीने में ये 1% का गेन बिल्कुल संभव है. इसलिए मैं आशान्वित हूं. और ये जो मैंने कहा कि 7.5 से 8, 8.5% की ग्रोथ रेट चाहिएगी, तो जीएसटी से उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है. और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो 1% का एडिशनल या फिर इंक्रीमेंटल ग्रोथ है जीडीपी में, ये पूरी तरह से फैक्टर्ड इन नहीं है मार्केट में या फिर आई वुड से इंडेक्स में. तो इनफैक्ट मार्केट्स पर भी आपकी बात हुई तो लॉन्ग टर्म तो उनका तो खैर यही कहना था मार्केट पर कि अच्छा गेन यहाँ से देखने को मिल सकता है, लेकिन आई मीन ही डजंट स्पीक शॉर्ट टर्म. तो उनका यही कहना था कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी बहुत कंसर्न हो या फिर कोई ग्लोबल फैक्टर के चलते ड्रॉप देखने को मिले जैसे गौतम बता रहे थे, बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट फंड फ्लोज. जो हमने पिछले 6 महीने 8 महीने में बिहेवियर देखा है इन्वेस्टर का, उसे लेकर ही वॉज रियली अप्रिशिएटिव. एनबीएफसी में गौतम आपका व्यू क्या है? बिकॉज वी हैव सीन डिसेंट आउट परफॉर्मेंस इन पॉकेट्स आई वुड से, लेकिन इसमें मिड कैप में बहुत सारे एनबीएफसी हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है एंड दे आर होल्डिंग ऑन. Yeah, if you look at the long term, I think the setup is still quite good. And therefore, it makes sense for investors to hold on to these stocks because I think they will continue to do well with the market and even outperform. But if you look at it in the short term, I think they are a little overheated. So if the markets were to correct a little more from here, which is our view, then I think some of these NBFCs can pull back by about 5 to 6%. So I don't think there is a reason to buy immediately. I think wait for your levels. I do know that in bull market, you know, you don't get stocks at your levels, but at levels of 9500 on the Nifty, I don't see any reason to jump and buy into stocks. I think you will get a dip to enter at your levels. जी गौतम, आपने अपने preferred sectors और space तो बताए हैं, लेकिन इस वक्त market में कौन से वो segments हैं जिनको आप completely avoid कर रहे हैं, या फिर जो आपने अभी show की शुरुआत में भी कहा कि इन level से 200-300 point का Nifty में correction आ सकता है, तो इस correction में participation किन spaces की ओर से आ सकता है? The cat sat on the mat.
Well, the irony is the stocks that we like from the for the long term are the stocks that will see the correction if the market were to see a dip. So obviously the same high beta names like metals, capital goods and banks are the ones that could participate on the downside. And that's the reason it's very important to time your entry well in this market setup. But having said that, I think IT and pharma are the two sectors that we are completely avoiding, and we not recommending any strategies there. I think they might not fall too much, but in a bull market, your biggest cost is an opportunity cost. So if you're going to get stuck with a Lupin or a Sun Pharma or a Cipla, and while the market continues to do well and it stays at the same price, I think that's a very big hit. So I would completely avoid IT and pharma for now, because I don't see any silver lining on the charts. Mm-hmm.